खास बात तो यह है, इसमें बच्चा ने नौकरी कौन मिल दी यार, सबसे बड़ी बात यह है। या हाँ, तो इस बात हमें बीजेपी ने न कर रही है, कह रहे कि भी जो कांग्रेस में काम नहीं अभी बीजेपी में, बिना पर्ची बिना पर्ची बात हो रही, काम बीजेपी सरकार में बने को नहीं भाई, हमारे काम बने कांग्रेस सरकार में। इनके दो साथ लड़के बिजली बोर्ड में लग रहे हैं, एक डॉक्टरी लाइन में लग रहे हैं, दो तीन पुलिस में लग रहे हैं, पूछ ले इन पर, मैं नहीं, नहीं वो तो इनकी मेहनत है या फिर उसको कोई रीजन है या फिर आपने नूला के भी सिफारिश, दो बीजेपी की सरकार में लगे हैं, दो कांग्रेस में लगे हैं भाई साहब, पहलवान ना पाई इनकी घसीटे हम नहीं है इस बार। फिलहाल जो किसान आंदोलन की बात करा, हाँ तो उसकी उसके बारे में कुछ कहना चाहो। हाँ, जैसे कह रहे हैं किसान नाराज सर बीजेपी से, क्यों नाराज आप बताओ? नाराज ये है किसान ना तो इनकी हमारा MSC का कौन दिन दे, हाँ और फिर बाबा बस हमें मारे लठ मारे, हम दिल्ली, हम दिल्ली नहीं जा सकते, अच्छा गए कहीं को नहीं, कोई बात नहीं। आप फिर आपने मतलब जो किसानों की बात है तो आपने लगे कि भाई वो सही हो आगे गलत है किसानों के साथ? किसानों के साथ हम ये गलत लग रही थी, ये खट्टर सही हो जाने को दिया करता कर, खड़े खोद दिए, कील गाट दिए, को मतलब थोड़ा है यार। अच्छा फिर तो आप हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहो? मैं तो कांग्रेस की जाऊँ भाई। अच्छा कांग्रेस, हाँ इसका आप देख रहे हो भाई टुडे सार, फिलहाल आप हाँ भाई बरवाड़ा हल्के के मिर्जापुर गांव में भाई फिलहाल जो इसार के नज़दीक पड़ा है, फिलहाल आप बताओ किस कैंडिडेट ने देखना चाहो या फिर किस पार्टी ने सपोर्ट करोगे? कांग्रेस ने दिन जाए भाई सजा पा दो, कांग्रेस ने फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी था गुडेला रामनिवास। अच्छा तो आपने कितने साल हो गए भाई नू देखे भाई फिलहाल मिर्जापुर में काम करवाए हैं या फिर हल्का में काम करवाए हैं? कांग्रेस ने कराया जो कुछ कराया पहले, और ये 10 साल पहले देख लिया, इसमें भी देख लिया, बीजेपी ने कुछ नहीं कराया हमारा। अच्छा फिलहाल कोई भी आपके गांव में काम ऐसा होया जो आपने नू लगे भाई ये चीज़ होगी ठीक हो गया? नहीं, इसमें कुछ भी कौन देखा हमने, तो बीजेपी को काम नहीं था, कोई काम नहीं था। फिलहाल जो मिर्जापुर की बात करा तो खेल स्टेडियम वगैरह और ये स्कूल वगैरह है तो ये किसने बनवाए? हाँ एक बीजेपी ने बनवाया भाई, एक बनाया तो उससे पहले जो मतलब पहले राजनेता जाली है उन्होंने कुछ काम करवाया आपने लागे जो आप गुडेला की बात कर रहे हो तो उस नहीं कांग्रेस में ही काम बनाया सर, बीजेपी में तो बनाया कौन हमारा कुछ भी। अच्छा फिलहाल आप ये नौकरियां ये खास बात तो यह है इसमें बच्चा ने नौकरी कौन मिल दी यार, सबसे बड़ी बात यह है। या हाँ तो इस बात हमें बीजेपी न कर रही है। फिलहाल जो नौकरी की बात करें तो आपने किला के इन 10 साल में भी जो बीजेपी की सरकार रही है कि भाई नौकरी लागे हैं को लागे या पर पहले लागे कर दे? अब पहले बढ़िया लागे कर दे, पहले लागे कर दे, पहले गांव में कितने को लोग लागे जाए इसमें ये नौकरी के वो काट दे एजेंसी को काट दे एजेंसी। अच्छा हर की में भाई पत्थर लीक हो जाए इनके। अच्छा हाँ बताइए क्या करें जो ये आपका थोड़ा बोलने का लहजा है आपने जो आपने मतलब शराब वगैरह तो नहीं पी रखी? अरे यार लकवे की शिकायत है। अच्छा अच्छा तो भाई थोड़ी लकवे की शिकायत है, कोई गलत ना सोचियो। तो आप बताओ किस कैंडिडेट को देखना चाहते हो? फिलहाल जो बरवाड़े की बात करा तीन उम्मीदवार हैं जो बड़े नाम हैं, तो आप बताओ कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहते हो या फिर आपका नजर आने से देखे भी कौन सा ठीक है? सबसे बढ़िया है बीजेपी सरकार, बीजेपी हाँ एक नंबर सरकार है, कोई खर्चे नहीं पर्चे नहीं, सही काम हुए हैं, बिल्कुल ओके काम होने लग रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस की सरकार में अपना काम तो देख बनाया कौन है, हंड हंड के थक लिया मैं तो भाई, सीधी बात है। तो आपका क्या काम करवाया बीजेपी में आपने भाई? देखो ये चीज़ है कि भाई आप बैठे हो सारे इकट्ठा होकर पीने लग रहा है, भाईचारा पहले है, इलेक्शन तो देखो 5 साल बाद आओगा, सबसे पहले जरूरी है भाईचारा, ठीक है? तो आप ये बताओ इकट्ठे होकर बैठे होकर पीने लग रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। अरे आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया, देखो ये संदेश इसलिए दिया आप 5 जने भाइयों बैठ के भोका पीने लग रहे हो लेकिन कोई बार विवाद नहीं है किसी तरीके का, ठीक है? हाँ अपने अपनी वोट कहाँ है पर तो आपकी मर्जी है, तो फिर आप बताओ आपने इसी क्या लगे कि भाई जो बीजेपी की बात करा आप जो कह रहे हो कि भाई मैं मारे काम करवाई तो क्या काम करवाए आपके? मारा भाई दो बारह बंदे लगे हैं सही, मेरे खुद के घर के भाई की मिसी लग गई है, कोई पर्ची नहीं कोई खर्ची नहीं, तो जो उसने जो पेपर दिया पेपर में टेस्ट पास कराया और फैक्स आ गया लग गई। अच्छा ऐसे चाचे का लड़का भाई वो भी भाई अपना। अच्छा मारे मेरे लिए तो है सही बीजेपी सरकार सही। अच्छा एक नंबर।
तो फिलहाल जो आप बीजेपी की बात कर रहे हो, तो बीजेपी में फिलहाल आप किस कैंडिडेट को जिताना चाहोगे? फिलहाल जो बात है बरवाले की, मेरे हल्के से जो रणवीर गंगवा है इसको जिताने के लिए मैं बिल्कुल लाइक। आपका गांव का सर्वे क्या बोला है? गांव का सर्वे तो देख अलग अलग है, कोई कैसे बोल रहा है कोई कैसे बोल रहा है। वो तो अभी देख लिया, पांच जने बैठे, पांचों में तो अलग अलग सर्वे आओगा, अलग अलग सर्वे आओगा। बाकी रुझान है बीजेपी का, बीजेपी का। हाँ, और अन्य पार्टी? अन्य पार्टी सारी सिस्टम खराब है इनका। हमारे यहाँ मिर्जापुर में तो राम से उड़ल है रुझान भाई, सत्तर % रिपोर्ट इसके उड़ल लगे। अच्छा, 70%। फिलहाल जो अभी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का है इनका ही मोल ज़्यादा है, और आप कह रहे हो भाई 70% घोड़े लगे हैं, तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन जमा नहीं, आप बताओगे? तो इनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग से। अच्छा, आप मतलब घोड़ेलों को सपोर्ट करते हैं? हम तो घोड़ेले सपोर्ट करते हैं। आपने भाई जो कांग्रेस सरकार की जो बात कही है अभी, इन्होंने कह रहे कि भाई जो कांग्रेस में काम नहीं, अभी बीजेपी में बिना पर्ची बात मांग रहे। काम बीजेपी सरकार में बने को नहीं भाई, हमारे काम बने कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार में हमारे बच्चे लगे, घोड़ेले नौकरी लगवाए, हमारे काम जिसे बने थे। अच्छा, तो आप बताओ जी, मतलब आप बीच में बोल रहे थे ऐसे। हाँ, कोई को अपना सवाल का जवाब देना चाहो, आप बताओ। ये कह रहा था मेरे भाई की छोरी। हाँ, तो इनके दो चाचे लड़के बिजली बोर्ड में लग रहे हैं, एक डॉक्टरी लाइन में लग रहे हैं। हाँ, दो तीन पुलिस में लग रहे हैं। पूछ रहे इन पर, मैं नहीं, नहीं वो तो इनकी मेहनत है, या फिर कोई रीजन है, या फिर आपने नूला के भी सिफारिश कांग्रेस दो बीजेपी की सरकार में लगे हैं, दो कांग्रेस में लगे हैं भाई साहब। वे ई ब्लॉक के, वे किसके लगे थे? वे जो टुरनाथ का तो पता ही नहीं यार, कमाल कर दो। ये दो लगे यार, एक लगे छत्रपाल की सिफारिश से। हां, वैसे और कांग्रेस सरकार में पता नहीं छत्रपाल किस पार्टी में था उस टाइम। तने पुलिस की बात करी मैं, नहीं वो छत्र, आप जो कह रहे हो सिफारिश की बात जो था उस टाइम कांग्रेस पार्टी में था, वो 91 की बात है ये। अच्छा, जो छत्रपाल की बात कर रहे हो, सिफारिश की जो बात है 91 की बात है, कांग्रेस पार्टी में लगा था उस टाइम, वो कांग्रेस में लगा था। मतलब मेरे तो जो दो लड़के लगे तो वो बीजेपी में लगे बिना पर्ची बिना खर्ची। हां, ये बीजेपी में लगे हैं, प्योर लगे हैं। तो अभी आप थोड़ी देर पहले के बिना पर्ची बिना खर्ची, तो आप सिफारिश की बात करें तो बिना पर्ची बिना खर्ची तो बात आई नहीं पहले। तो बिना पर्ची खर्ची बताया तो था मैंने आपको, मैं जी इस सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची लगे। तो आपके ताऊ भी तो लगे थे पहले, वो कांग्रेस में लगे थे किस? वो चाची के लड़के वो पहले लगे होंगे, उसका अच्छा। को पता नहीं है, तेरे पड़ोस में तेरे चाचे भाई कांग्रेस में लगे हुए दो, वो तो मैंने बोल दिया। तो पर्ची खर्ची की पूछा है, डॉक्टर अरे ये बिजली बोर्ड में लगा नहीं, यो किस राज में लगे हैं, किस कांग्रेस सरकार में लगे यार ये दोनों। अच्छा, तो फिर तू इंटरव्यू दे, मैं क्यों दो, तुम बोल, तो भाई ये तो तुम बोल। मैं बीजेपी की एक बात बताओ, फिलहाल जो आप कह रहे हो जो कि भी अपने ताऊ के लड़के लगे हैं, फिलहाल जो लगे हैं आप बताओ। ज्यादा अगर कांग्रेस में लगे हैं, इसके इनके जो दादा कांग्रेस में लगे हैं, कांग्रेस में लगे हैं। हाँ, दादा ये पूछ ले, अभी कह रहे हैं कि मेरे दो लगे हैं कांग्रेस में, नहीं लगे जी बस। कैसे लगे यार, तो ये किस में लगे हैं ये? इससे पहले जो दो लगे हैं, इससे पहले तीन लगे थे, आप ये कह रहे थे क्योंकि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार ये लगे हैं। हाँ, और दो ही भी बीजेपी में लगे, ये लगे। आप देखो, मतलब मारे और सुबह में पांच लगे भाई, अब बीजेपी में पांच, बिना पर्ची बिना खर्ची। तो फिर नू तो बीजेपी छत्रपाल ने वो कौन लाए तेरे? फिलहाल आप बताओ कि भी जो मिर्जापुर की जो बात करा, फिलहाल आपने क्या लगे कि मिर्जापुर का सर्वे के हुआ है, कौन सी पार्टी का भाई है रुझान? कांग्रेस पार्टी का रुझान है, बहुत बढ़िया है, मतदाता हुआ है बढ़िया, एक राम के वोट पड़ा है बढ़िया, रामनवास डेले जीत से क्लियर, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा तनबंधन तो वोट देंगे, और बहुत बढ़िया अच्छा आदमी है। अच्छा, हाँ, तो फिलहाल आप भी बताओगी जो कांग्रेस की बात करें, आप जो कह रहे राम निवास गोडेला है, तो आपने क्या लागे भाई बनने के बाद काम करवा देगा या फिर बीजेपी ने काम करवाया? मैं खूब काम करवाओगे, बंदा गरीब बंदा है, मैं कवा जोड़ा खड़ा हो जाएगा, चाहे काम ना कराओ, सूत्रा बोलेगा, आन जान में भाई चाह पानी पियाओगा, हैं हमने और क्या चाहिए, हमने तो भाई हमारी इज्जत चाहिए है बस। किस पार्टी को देखना चाहते हो या किस कैंडिडेट को बरवाड़ा में बढ़ाना चाहते हो? हम तो भाई बरवाड़ा में कांग्रेस कैंडिडेट को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपना रामनिवास उड़ेला है। हाँ, क्योंकि ये लगातार कंटिन्यूअल कैसे जुड़ा हुआ है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हर गाँव में पहुँचता है, किसी भी कोई दुख सुख हो गया, शादी ब्याह या कोई डेथ होगी, आना जाना, मैं एक पारिवारिक आदमी। अच्छा, हाँ, पारिवारिक रिलेशन का बंदा है,
ठीक पार्टी है, बढ़िया। फिलहाल आपकी जो गांव की सरकार है भाई, फिलहाल देखो अलग अलग तरीके से लोग आप आपका रुझान दे रहे हैं। फिलहाल देखो आठ बैठक में बैठे हैं अलग अलग जगह से, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है। फिलहाल जो रुझान की बात करें तो आपने के लागे है कांग्रेस बन जाओगी? तो बिल्कुल बन जाएगी, बन जाओगी। हाँ, पहला नंबर कांग्रेस है, दूसरा रणवीर गंगवा। फिलहाल जो काम की बात बताऊं तो क्या बीजेपी ने काम नहीं करवाया जो आप उसकी कह रहे हो भाई कांग्रेस नहीं वोट दोगे? आपने बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया, 10 साल ने राज तो कर गए हुए ना। बीजेपी ने काम तो देखो करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी ने भी काम करवाए हैं। अच्छा, तो बीजेपी से नाराजगी कैसे के भाई कह रहे एक तरफ आई भी कांग्रेस का दिखा रही है? नाराजगी तो देखो पेपर लीक, तो और कोई बार में ऐसी मतलब आपने उन्होंने लागे भाई बीजेपी ने ये गलत कराया है या कोई सही काम कराया है ना? और तो कोई ऐसा कोई गलत काम तो कराया को नहीं, बाकी नु है कांग्रेस से बढ़िया सरकार को नहीं, कांग्रेस बढ़िया इससे। अच्छा, कांग्रेस बढ़िया। तो आपके हलके में किस पार्टी का ज़्यादा रुझान है भाई साहब? आज के दिन कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा रुझान है, कांग्रेस पार्टी का। हाँ, क्योंकि 10 साल हो गए हैं बरवाड़ा में मतलब कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, 10 साल से जो बरवाड़ा है खुद कह रहा है कि सारी सड़कें टूटी पड़ी है। आपकी एज कितनी होगी? हमारी एज होगी 21 साल जी। 21 साल। आपका वोटर आईडी बन गई? हाँ जी, बिल्कुल। फिलहाल आपकी जो बात करें भाई वोट की, आपने के लागे बरवाड़ा में कौन सा कैंडिडेट आओ? 3 बड़े चेहरे हैं, फिलहाल आप बताओ कौन से के भाई देखना चाहो? भाई रामनिवास गुड़ेला की बार बहुत भारी बहुमत से जीत के आए हैं। रामनिवास गुड़ेला? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो फिलहाल आपने देखने ला रहे हो टुडे साथ जो बात करा सर्वे की, फिलहाल जो ये बैठक में बैठे थे शाम का टाइम हो गया 7-8 बजे के आसपास में, फिलहाल देखो इसमें सारे अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हैं कि भाई बीजेपी कांग्रेस के, और आप अपना रुझान दिया है। फिलहाल सबसे बड़ी बात इसमें तो यही देखी गई कि देखो साथ बैठ के हुक्का पीने लग रहा है, हरियाणा में एक हुक्का है, भाईचारा जो जोड़ा है, अलग अलग पार्टी चुनाव का माहौल चल रहा है, कई गाँव में विवाद हो जाते इस चीज़ के। लेकिन आपने एक बात बता दें, वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के सारे इकट्ठे बैठ के हुक्का पीवे हैं, अरे ये सबसे बढ़िया बात है कि भाई भाईचारा जरूरी है। 5 साल में इलेक्शन आंदे जाते रहो हैं, भाईचारा बनाए रखो। फिलहाल जो जिसने अपनी जो टिकट मिल रही है उसने अपना जो अपना ठीक लाख वोट वोट देनी चाहिए, भाईचारा सबसे ज़रूरी है इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी। तो चुनाव के अपने पूरे वोट डालो भाई, फिलहाल जो जो कैंडिडेट जड़ा जड़ा देखना चाहते हो अपने अपने वोट दो, और 2024 में एक अच्छा रुझान से जिस जिस कैंडिडेट को बनाना चाहते हो अपने बनाओ। नमस्कार।